गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू माय ब्लॉग विद अ न्यू वीडियो। आज भी मेरी तबीयत थोड़ी ढीली है। टाइम हो गया है 9:30 का। मैं तनिष को स्कूल छोड़ के आ गया था और आकर के एडिटिंग कर रहा था, तो इसलिए मेरे को आज लेट हो गया। बाकी रिचा उठ गई, नहा धो कर पूजा कर चुकी है। ये अभी रिचा अपनी रिचा क्या कर रहे हो? अच्छा, नल पानी मुँह में छीट पड़ गई। हाँ, वो प्रेशर होता है इसके अंदर। आज तो पानी काफी अच्छा निकला है। हाँ, सुबह भी आज से तनिषा जो कल हम शाम को रिचा लेके आए थे, वो आज सुबह तनिषा नाच पानी भी गई थी स्कूल। तो बस अब मैं उठा हूँ, और मतलब उठे मैं भी उठे हुए टाइम हो गया, लेकिन अब मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए। जैसे पानी हल्का ना या तो गुनगुना कर दो। नहीं चाहे मैं पता क्या, एक तो मेरे बैक में पेन है ना, डॉक्टर कहता है कि इस गर्म पानी से काई भी हो जाएगी मेरी, ठीक है। हाँ, इसी में पानी गर्म कर लो। तो चलिए मैं आपको मिलता हूँ थोड़ी देर में, पहले मैं नहा लेता हूँ। तो वैसे अभी टाइम हो गया है करीब 11:15 का, और मैं जा रहा हूँ अभी काम से जा रहा हूँ। और रिचा यहाँ पर अपने दोपहर की खाने की तैयारी कर रही है। ये क्या मिला रिचा खाने में? बैंगन का भरता, प्याज काट दिए, भरता ले लिए, टमाटर काट दिए, अच्छा हरी मिर्च लेती हूँ, मटर लेती हूँ। अच्छा, एक टमाटर कितने डाल दिए भाई? टमाटर दो ध्यान रखो, टमाटर बहुत महंगे हैं। छोटे टमाटर नहीं है, बड़े टमाटर नहीं लिए। 150 रुपए जो टमाटर है तुम, ये पहले वाले टमाटर तब भी तो बोल तो पहले तो और महंगे थे, पहले 200 रुपए किलो थे। बल्कि वही वाले टमाटर छोले नहीं है। अच्छा, वो एक एक यूज किया है ना, अभी भी एक पड़ा हुआ है। मैंने तुमने 200 रुपए किलो वाले पहले टमाटर यूज किए, और दो टमाटर 200 रुपए किलो वाले। ये लड़की मुझे जुड़वा के रहेगी। अरे नहीं होगा, तुम चलो जाओ, मुझे काम करना है। अच्छा, और खीरा प्याज टमाटर काट लेना। नहीं टमाटर नहीं, खीरा प्याज, खीरा प्याज टमाटर में काटना। जब टमाटर सस्ते हो जाएंगे तब खाएंगे हम लोग। तो चलिए मैं पहले जगह काम पे जा रहा हूँ, आके आपसे मिलता थोड़ी देर बाद। तो गाइस टाइम हो गया शाम का, पूरे 5 बज गए। मेरी तबीयत और खराब है, बस मैं अभी ये ब्रेड खा के जा रहा हूँ मैं डॉक्टर को दिखाने के लिए। हो गया, अब मैं इसे नहा नहीं जा रहा, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। और ये अपने बाल देखो खुद काट रही है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने घर में ऐसा ट्राई ना करें, क्योंकि मेरी बेटी एक बहुत बड़ा पार्लर चलाती है, उसे एक्सपीरियंस है। उसने कई लोगों के काटे हैं और गुड़गो पकड़ दिया कईयों का। ये बाल बिकाऊ है, अगर किसी को चाहिए तो बताया ना। देखो ये खुद ही काट रही है, ये सब मजाक था, लेकिन एक्चुअली मुझे बाल काटने नहीं आते। आज ये फर्स्ट टाइम यूट्यूब में देख के काट रही है। अब देखते हैं कि ये आज ऐसा वैसे काट पाती है कि नहीं। देखो कितना खुश है आज की लड़की। वैसे बात सही है, इसका कहना है मम्मी अगर अच्छे नहीं लगे तो पार्लर के पास वैसे ही लेके जा रहे हो, अगर अच्छे नहीं कटे। अभी देखता हूँ, अभी देखता हूँ। तो इसने बोला कि मैं जाना तो आई, अच्छे नहीं कटे तो फिर हम ट्रिम उसे करवा ही लेंगे, अगर कुछ खराब हुए तो पार्लर ही सही करी रहेगी। तो कह रही मेरे को एक बार एक्सपीरियंस हो जाएगा कि कैसे करते हैं। काट रही है, ये कोशिश कर रही है, ये कोशिश कर रही है कि मैं अपने पापा के पैसे बचा लूँ। कह रही है मेरे को 50 की जगह 100 दे देना, मैं कुछ खाऊंगी। तो गाइस हम लोग तो आ गए यहाँ पर क्लिनिक पे, इनका आगे अभी आए नहीं है, अभी टाइम हो रहा है 6 और आएंगे 6:30 बजे करीब। तो वेट करते हैं, और कुछ नहीं है, बस हम सबसे पहले हम ही आए हैं यहाँ पर। लॉक ना गए, बस अभी आने वाले थोड़ी देर में, कहीं जा नहीं सकते घूमने आसपास, नहीं तो और बाकी आ जाएंगे पहले। तो वेट ही करना है इसका, सर वेट कर लेते थोड़ी देर, और क्या है। यहाँ पर कितनी पतली पतली गली है, कितना कंजेस्टेड है एरिया। ये देखो बोर हो गई है, तुम इसे कहीं घुमाओ। जहाँ तक मोहिए निकले हेलमेट, मेरा नया नया हेलमेट है, एक गिरना चाहिए मेरी जान से, प्यारा ही हेलमेट मुझे।
चलिए मिलते थोड़ी देर में। तो गाइस मैं अभी डॉक्टर को दिखा के आ चुका हूँ और डॉक्टर ने दवाई दे दी है मुझे, उनकी अपनी दवाइयाँ होती है, इसलिए उन्होंने आपको दिख रहा होगा उन्होंने अपनी दवाई दी है। वो कह रहे हैं 2 से 3 दिन में आराम आ जाएगा आपको, बाकी रेस्ट करना है, रेस्ट करने के लिए बोला है, और ठंडा खट्टा बिल्कुल नहीं खाना, ठंडा खट्टा खाने के बिल्कुल मना, बिल्कुल स्ट्रिक्टली बैन है, बाहर का नहीं खाना बिल्कुल भी, खा जो खाना कह रहे घर पे बनाओ और कुछ चटपटा नहीं खाना। 3 दिन का परहेज करना है, वो कह रहे हैं 3 दिन में ठीक हो जाओगे परहेज करोगे तो, बता आज तो मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत शरीर इतना टूट रहा है मेरा, बहुत ज़्यादा टूट रहा है, बहुत ज़्यादा। ये देखो डांस कर रही है, हाँ इसने आज मैंने दिखाया था दोपहर को बाल काटे थे, चलो पीछे हो ना, इस लड़की ने अपने बाल खुद काटे हैं, सही कर गए। वॉश करने जा रही है सर, जल्दी जाओ, जाओ शावर लेके आओ बेटा, फटाफट जाओ, 10 मिनट शावर लेके आओ, जल्दी जाओ, सॉरी 10 मिनट में मैं क्यों एक बार आऊंगी ना, तो फिर जल्दी आओ, 10 मिनट में आ जाओ, जाओ चलो निकलो यहां से। तो गाइस टाइम हो गया, रात के 9 बज गए हैं, दवाई मैं ले आया हूँ और एक खुराक मैंने खाई है अभी, खाना खाने के बाद हमने जो सभी खाना खाया, मैंने बनवाई थी अभी ना अपने लिए खिचड़ी, बिल्कुल वो सिर्फ खाली मैंने खिचड़ी खाई थी, इन्होंने तो रोटी खाई थी और साथ में सब्जी थी दोपहर की वही खाई है। तो अभी मैंने एक खुराक खाई है, तो मेरे को एक खुराक में इतना आराम आ रहा है, बुखार तो बिल्कुल ठीक हो गया और मतलब पता चल रहा है कि मेरे को आराम आ गया पहले से और ज़्यादा आ रहा है, शायद होता था शायद कल तक मेरे को 1-2 दिन में मेरे को आराम आ जाए, बाकी दवाई बहुत अच्छी है उनकी। तो बस अब रात हो गई काफ़ी, अब सोने की करें तैयारी, ये तो लेट ही हो गए। तो चलिए बस आज के ब्लॉग ये पर करते समाप्त, आपसे मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छा लगे प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, गुड नाइट।